तो दोस्तों, आज टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे T20 मैच में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस मैच में हमें T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम डबल सुपर ओवर देखने को मिल गया। दरअसल टीम इंडिया ने आज पहले बैटिंग करते हुए 212 रन बनाए और इस टारगेट को चेज करने के लिए उतरी अफगानिस्तान की टीम भी पूरे 212 रन ही बना पाई और मैच टाई हो गया। बट ये तो बस एक शुरुआत भर ही थी। एक्चुअली मैच टाई होने के बाद जब अफगानिस्तान की टीम बैटिंग करने आई तो उन्होंने एक विकेट गंवाया और पूरे एक ओवर में 16 रन बनाए। हालांकि इस टाइम कप्तान रोहित शर्मा और मोहम्मद नबी के बीच थोड़ी गर्मा गर्मी भी देखने को मिली, लेकिन रोहित शर्मा इस गर्मा गर्मी का बदला लेने के लिए तैयार थे और उन्होंने चौके छक्के के साथ मैच अपनी तरफ पलट लिया। हालांकि टीम इंडिया भी सुपर ओवर में 16 रन ही बना पाई, जिसकी वजह से मैच में दोबारा सुपर ओवर देखने को मिला। जी हां दोस्तों, अब बारी थी टीम इंडिया की पहले बैटिंग करने की और टीम इंडिया ने 2 विकेट गंवाते हुए 11 रन बनाए। इस बार बॉलिंग का जिम्मा रवि बिश्नोई को दिया गया, जिन्होंने सिर्फ 1 ही रन दिया और 2 विकेट चटकाकर इस रोमांचक मुकाबले को टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। तो दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में कौन आपके अकॉर्डिंग मैच विनर था, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।